अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रतिशतता यानी परसेंटेज का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट टू में मैंने आपको इस चैप्टर के 14 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। यानी पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी अगर परीक्षा में पास होना है तो 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अंश ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी वह 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल पूर्णांक कितना था, यानी परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के मैथड से बताऊँगा, बहुत ही आसान मैथड से, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, 45%। अंश ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने, 30%। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अंश द्वारा प्राप्त अंक, जो अंश को अंक मिले हुए प्रतिशत में, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितने प्रतिशत अंक उसको मिले हैं, 30% अंक उसको मिले हुए हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि 60 अंकों से क्या हो जा रहा है, वो अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, 60 अंकों से अंश फेल हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वह 60 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है अंश, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अंश को कितने प्रतिशत अंक मिले हुए हैं, 30% मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं अंश को प्लस 60 नंबर दे दूँ, क्योंकि कितने नंबर से वो फेल हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। तो अगर अंश को मैं 60 अंक दे दूँ तो वह पास हो जाएगा, यानी उसके अंक 45% के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, तो 30% अंक तो अंश को मिले ही हुए हैं, 30% अंक मिले हुए हैं यहाँ की, मैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 30% अंक उसको मिले हैं, और मैं उसको 60 अंक और दे दे रहा हूँ, क्योंकि 60 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, उसको 60 अंक मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, यानी उसको 45% अंक मिल जाएंगे। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, 30% अंक अंश को मिले हुए थे, 60 अंकों से फेल हो रहा था, प्लस 60 अंक मैंने उसको दे दिए, और फिर वो पासिंग मार्क्स तक पहुँच गया, यानी 45% तक पहुँच गया, ठीक है। यानी 30% प्लस 60 अंक मैंने उसको दे दिए बराबर किसके हैं, 45% के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, 60 तो यहाँ पे हमारा ऐसे ही रहेगा, 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, जो ये 30% था उसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, तो इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 45 में से 30% हमारा घट जाएगा। तो यही नीचे यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 45% में से मैंने क्या किया, 30% को घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 60 तो हमारा ऐसे रहेगा, और 45 में से 30 जाएगा कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। अब ये 15% हमारा किसके बराबर है, 15% बराबर हमारा 60 के है, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 60/15 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 × 15 = 60, यानी 1% बराबर हमारा किसके हो गया, 4 के हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज में कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, हमारा बेस क्या होता है, 100 होता है। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 100, और 1% बराबर हमारा 4 के था, इसी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बराबर हो जाएगा 400 के। और यही आपका परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा, कितना पूर्णांक हो जाएगा, 400 अंक। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 400 कहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। तो
इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका था अंश को 30% अंक उसने प्राप्त किए थे और 60 अंकों से वो फेल हो रहा था, तो मैंने उसको +60 अंक दे दिए। फिर वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच गया, यानी 45% तक पहुंच गया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया 45% पासिंग मार्क्स है, ठीक है, वो पहुंच गया। उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 60, तो हमारा ऐसे ही था। यहाँ पे 45% था, इस 30 को हमने इधर ले आए, ये माइनस में हो जाएगा, और 45 में से 30 को लेस किया, कितना हो गया 15% आया। तो 15% बराबर हमारा किसके था, वो हमारा 60 के था, तो 1% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। फिर हम परसेंटेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 हमारा बेस होता है, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 100% बराबर 4 × 100 बराबर 400, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूर्णांक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ट्रिक के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण ₹80 में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम में क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी के भाव में कमी होने से पहले, ठीक है, चीनी का भाव प्रति किलोग्राम में क्या था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन 100 - x इंटू ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, xy अपॉन 100 - x इंटू ए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो विद इन आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि चीनी के भाव में कमी होने से पहले, यानी हमें चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर, और यहाँ पे हम फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं जैसा कि मैंने ऊपर आपको लिख के बता दिया है, एक्स वाई अपॉन 100 - x इंटू ए। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा 20 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कितनी कमी हो रही है चीनी के भाव में, 20% की कमी हो रही है। तो एक्स हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, कमी को प्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया, 20% लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई हमने क्या माना, जैसा कि आप देख सकते हैं 80 रुपये, जो आपको रुपये दिए हुए हैं ये हमारी वाई की वैल्यू है, तो वाई बराबर मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे 80 मान लिया। फिर ए बराबर हमने 2 माना है, जो कि आपकी यहाँ पे मात्रा दी गई है, 2 किलोग्राम चीनी हमें अधिक प्राप्त हो रही है, तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें मात्रा दी गई है, तो ए बराबर हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। तो यहाँ पे हमने सब कुछ मान लिया, अब सीधे हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो x बराबर हमने क्या माना है, यहाँ पे 20 माना है, तो x की जगह मैंने लिखा 20, और फिर उसके बाद y बराबर हमने यहाँ पे क्या माना है, 80 माना हुआ, तो y की जगह मैंने लिखा 80, ठीक है। फिर अपॉन में 100 तो आपका फॉर्मूले में है, तो 100 लिख देंगे, और x बराबर हमने यहाँ पे 20 माना हुआ है, तो 100 में से क्या जाएगा, 20 हम लेस कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 20 ही तो दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे 20 पुट कर दिया। फिर उसके बाद a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी गई है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 20 × 80 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1600 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 20 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1600 आएगा। और 100 में से 20 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 100 में से 20 को लेस करेंगे यहाँ पे 80 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 ये तो आपका रहेगा ही, तो ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस 0 से हम इस 0 को सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर 8 × 1 = 8 कर सकते हैं, 8 × 2 = क्या कर सकते हैं, 8 × 2 = यहाँ पे 60 कर सकते हैं, और यहाँ पे 0 तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अब फिर इसके 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20 आपका होता ही है, तो कितना आ गया, ₹10 प्रति किलोग्राम ये चीनी का मूल्य हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपका है एक्स वाई अपॉन 100 - x इंटू ए। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, भाव में कमी हो जाए और आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे, तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है,
जहाँ पे x और y की वैल्यू हमें कैसे माननी है, जो आपका कमी होगी उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना, जो कमी होगी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद y बराबर मैंने यहाँ पे 80 माना हुआ है, तो जो आपको रुपए दिए होंगे वो हम किसको क्या मानेंगे, y की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। और मात्रा आपको जो दी गई है वो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 10 रुपए, ठीक है। यह आपका प्रारंभिक मूल्य था, यह आपको ध्यान रखना है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम यह आपका प्रारंभिक मूल्य था, यह आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी, यानी संख्या में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, किस कॉन्सेप्ट से, रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सवाल बताए हुए हैं पार्ट टू में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि संख्या में फिर बाद में 10% कम किया जा रहा है, बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर संख्या में 10% की कमी हो जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर सॉल्व करते हैं, पहले संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10% का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 1/10 आ जाएगा, यानी 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, तो मैंने 1/10 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद संख्या में 10% की कमी की जा रही है, फिर 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू, हम इसको 10/100 लिख सकते हैं, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/10 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 10 10 10 10 100 होता है, तो 1/10 ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया पुरानी संख्या, यानी जो हमारी प्रारंभिक संख्या थी उसको मैंने लिख दिया, और फिर हमारी नई संख्या ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन आपकी यहाँ पे दी गई है कि संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी 1/10 आई थी, यानी पहले हमारी संख्या, प्रारंभिक संख्या हमारी क्या थी, 10 थी, ठीक है, 10 थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो भैया 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% 1 ही होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10 में हम 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी प्रारंभिक संख्या, पहले हमारी संख्या 10 थी, अब क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा कि पहले हमारी संख्या 10 थी, लेकिन जब संख्या में 10% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 10 का 10% 1 ही होता है, ये आप सॉल्व करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे दी हुई है कि संख्या में फिर क्या की जा रही है, 10% की कमी कर दी जा रही है, यानी पहले संख्या हमारी 10 थी, लेकिन फिर हम 10% की कमी कर रहे हैं, तो 10 का 10% हमारा 1 होता है, तो 1 ही कमी होगी, तो 10 में से हम 1 को लेस कर देंगे, तो हमारा 9 आ जाएगा, यानी पहले हमारी संख्या 10 थी, लेकिन हमने 10% की कमी कर दी, फिर क्या संख्या हो गई, 9 हो गई। तो आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे, इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल आपको यहां पे बताए हुए हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने पर 10 10 100 होता है और 11 9 99 होता है, ठीक है, क्या आ गया, ऊपर 100 आ गया, नीचे 99 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 100 में से 99 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी प्रारंभिक संख्या पुरानी हो गई, ये हमारी नई संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें ओल्ड वैल्यू लेनी होती है, पुरानी यानी प्रारंभिक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी है, तो वृद्धि और कमी तभी बता पाएंगे जब हमें पहले वाले को बेस मानेंगे, पहले वाले को बेस मानेंगे, 100 को ही तो बेस हम यहाँ पे लेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई है, क्योंकि हमसे वर्तमान में पूछ रहा है ना कि कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे पुरानी प्रारंभिक संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, अंतर कितना आया था, अंतर हमारा 1 आया था, और हमने प्रारंभिक लिया यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका रहेगा 100 हमारा बेस होता है, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1% आ जाएगा,
जाएगा और क्या हो रही है 1% की, तो 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हमारी संख्या 100 थी, अब क्या हो गई है 99 हो गई है, घटी तो रही है बढ़ तो रही नहीं है। अगर यहाँ पे 100 की जगह 101 आया होता तो यहाँ पे वृद्धि हो जाती, लेकिन 100 से 99 हो रही है तो क्या हो रहा है 1% की कमी हो रही है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 1% कहाँ पे दिया गया है, तो 1% की कमी हो रही है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इसको रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। अगर आपको रेशियो कॉन्सेप्ट आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में गीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, यानी 50 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब राम पास तो हुआ ही हुआ और उसने 20 अंक प्लस प्राप्त किए हुए हैं पासिंग मार्क से, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी पासिंग मार्क्स हमें यहाँ पे बताने हैं, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रिकी मेथड यूज़ करेंगे। इससे पहले भी ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन आज का यही आपको बताया हुआ था, इसी टाइप का था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें न्यूनतम अंक निकालने के लिए हमें पूरा पूर्णांक निकालना होगा कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तभी हम यहाँ पे न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं। तो चलिए कितने लोग हैं यहाँ पे, सबसे पहले गीता है फिर उसके बाद राम है, इन दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले गीता हो गई और यहाँ पे राम हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। तो मैंने यहाँ पे गीता का अंक प्रतिशत लिख दिया कि कितने परसेंट उसको अंक मिले हैं, 30% अंक मिले हैं। कितने अंकों से फेल हो रही है, 50 अंकों से वो फेल हो रही है। अगर हम गीता ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, अगर मैं उसको 50 अंक दे दूँ तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पास। तो मैंने उसको 50 अंक दे दिए, अब क्या हो जा रही है, गीता पास हो जा रही है। अब चलिए देखते हैं राम के पास आते हैं, तो राम को कितने अंक मिले हैं, राम को 40% अंक मिले हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 40% अंक में वो राम तो पास ही हो गया है, वो तो पास हो गया है, और उत्तीर्ण होने के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब राम को 20 अंक क्या मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं, फालतू मिले हैं। तो मैंने क्या कर दिया, जो 20 अंक उसको अधिकतम मिले थे, मतलब ज़्यादा मिले थे पासिंग मार्क्स से, उसको मैंने यहाँ पर लेस कर दिया, घटा दिया, क्योंकि उसको 20 नंबर ज़्यादा मिले थे। अगर मैं 20 नंबर घटा भी दूंगा तब भी राम क्या रहेगा, पास रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ये आपको ध्यान देना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ का, ठीक है। फिर अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया, एक तरफ गीता का एक तरफ राम का। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, इधर उधर संख्याएँ पक्षांतर करके हमें अभी हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 50 लिखा हुआ था तो 50 को मैंने ऐसे ही रहने दिया नीचे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपका -20 था इसको मैंने पक्षांतर कर लिया और इधर ले आया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 20 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 20 हो जाएगा। और 40% यहाँ पे हमारा था ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 30% प्लस में था इसको मैं इधर ले गया तो ये निगेटिव में हो जाएगा और 40 में से 30% घट जाएगा। यानी परसेंट वाले को मैंने एक साइड कर लिया और अंक वाली, मतलब जो नंबर न्यूमेरिकल हमारी संख्याएं दी हुई यहाँ पे, नंबर जो हमारे दिए थे उसको मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 50 और 20 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 40 में से 30 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 70 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10% बराबर 70 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 70/10 के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1% बराबर हमारा 7 के हो जाएगा। तो फिर 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 100 की, 7 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 100 से, बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें परीक्षा का पूर्णांक मिल चुका है, कितना हो गया, 700 हो गया। अब यहाँ पे मैंने 100% क्यों लिखा, क्योंकि हमारा परसेंटेज का बेस 100 होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया, तो इसीलिए 100% निकालेंगे तभी हमें परीक्षा का पूर्णांक पता चलेगा। तो 7 × 100 बराबर 700, ये हमारा क्या होगा, ये पूर्णांक हो गया, परीक्षा का पूर्णांक अब हमें मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम अंक, तो यहाँ पे गीता को कितने अंक मिल रहे थे,
तो हमने यहाँ पे पूर्णांक, सबसे पहले आप पूर्णांक देखिए 700 अंक, ये तो हमें हमने निकाल लिया। तो गीता को 30% अंक मिले थे, ठीक है, हम इसकी मदद से यहाँ पे निकाल सकते हैं न्यूनतम अंक, गीता की, गीता को जो अंक मिले हैं इसी की सहायता से हम यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालेंगे, ठीक है। तो गीता को 30% अंक मिले हुए थे, ठीक है, और उसको 50 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती, तो यही हमारा न्यूनतम अंक होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे हम न्यूनतम अंक निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10% बराबर 70 के है, 10% बराबर किसके है, 10% बराबर 70 के है। तो यहाँ पे गीता को 30% अंक मिल रहे हैं, तो 30% बराबर किसके हो जाएगा, तो 30% बराबर आपके किसके हो जाएगा, जब 10% बराबर 70 के है तो 20% बराबर आपका हो जाएगा 140 के, इसी का दुगना, और 30% बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 का 3 गुना हो जाएगा, यानी हम 70 की मल्टीप्लाई 3 में करवा दें तो 30% के बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 70 की मल्टीप्लाई हम 3 में करवा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा और 7 3 21, 210 हो जाएगा, यानी 30% बराबर किसके हो जाएगा, तो 30% बराबर आपके हो जाएगा 210 के, तो 30% बराबर 210 के, ठीक है। और प्लस 50 नंबर हमें गीता को और देना पड़ा था, तब जाके वो न्यूनतम अंक तक पहुंच रही है, पासिंग मार्क्स तक पहुंच रही है। तो 210 में 50 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, और यही न्यूनतम अंक हो जाएगा परीक्षा का, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 260 कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी में। तो 260 अंक ये क्या है, ये न्यूनतम अंक है। बहुत ही आसानी से हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे न्यूनतम अंक निकाला। सबसे पहले हमने पूर्णांक यहाँ पे 700 निकाल लिया था, और जैसा कि आप देख रहे हैं गीता को मैंने न्यूनतम अंक देकर यहाँ पे पास हुई है, क्योंकि 30% अंक उसको खुद मिले थे और 50 अंकों से वो फेल हो रही थी। 30% अंक मिल चुके थे प्लस 50 अंक मैंने उसको दे दिया, तब जाके वो न्यूनतम अंक तक पहुंची, यानी पासिंग मार्क्स तक वो पहुंच पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने निकाला हुआ है कि 10% बराबर किसके था, 70 के था, तो यहाँ पे 30% गीता को मिले थे, 30% बराबर किसके हो जाएगा, 10% बराबर 70 के, 20% बराबर इसी का दुगना 140, और 30% बराबर इसी का 3 गुना, यानी 70 × 3 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 210 लिख दिया, और प्लस 50 नंबर दिए थे तभी तो पास हो रही थी, 30% में तो फेल थी, तो प्लस 50 नंबर और दे दिए, तो ये हमारा न्यूनतम अंक हो गया 260। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की, 25% की, तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, रेशियो कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि, तो मैंने लिख दिया सिनेमा घर की सीटों में वृद्धि कितनी हो रही है, 25% की। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 10% की वृद्धि की गई है टिकट के मूल्य में भी, तो टिकट के मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की हो रही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें दी हुई यहां पे सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। 25% लिखा हुआ है, परसेंटेज के साइन को यहां पे हटाएंगे, नीचे हमारा 100 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 25/100 लिखा है, 25 का नाम 25, 25 × 100 1/4 आ गया, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 आ गई। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, टिकट के मूल्य में भी 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा यहाँ से साइन, 10/100 नीचे 100 आ जाएगा, 10 × 1 = 10 और 10 × 100 1/10 आ गई। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/10 आ गई। अब चलिए पहली कंडीशन पे आते हैं कि 25% की वृद्धि हुई थी सिनेमा घर की सीटों में, ठीक है, तो हम इसको ओल्ड और न्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले सिनेमा घर में कितनी सीटें थी, यहाँ पे मैंने ओल्ड वाला लिखा है, मतलब पहले कितनी सीटें थी और पहले टिकट का मूल्य क्या था, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे न्यू लिखेंगे, यानी नया वाला प्राइस जब हमारा बढ़ गया वृद्धि होने के बाद, ठीक है, बस इतना यहाँ पे हमें करना है। तो चलिए सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि 25% की वृद्धि हो गई, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/4 निकाली, ठीक है।
तो पहले मैंने मान लिया सिनेमा घर में कितनी सीटें थीं, 4 सीटें थीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। तो छैया 4 का 25% क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि 4 का 25% आप निकालिए तो कैसे निकालेंगे? 4 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 25, ये परसेंटेज का जो साइन, इसको हटा देंगे और नीचे हमारा 100 आ जाएगा। तो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल। तो 4 का 25% क्या आ गया? 4 का 25% हमारा 1 ही होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले सिनेमा घर में 4 सीटें थी, 25% की वृद्धि हो गई, तो सीटों की संख्या 4 में प्लस 1 और कर देंगे तो 5 हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले सिनेमा घर में 4 सीटें थी लेकिन 25% की वृद्धि कर दी गई, अब उसमें 5 सीटें हो गई सिनेमा घरों में। सिनेमा घर में कितनी हो गई? सिनेमा घर में आपकी 5 सीटें हो गई, क्योंकि 25% की वृद्धि की गई। अब क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टिकट का मूल्य पहले क्या था। टिकट का मूल्य जैसा कि आप देख सकते हैं 10% की वृद्धि कर दी गई टिकट के मूल्य में भी। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमने 10% की क्या निकाली हुई है, 1/10 निकाली हुई है, ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो पहले टिकट आपको 10 रुपये का मिल रहा था, वृद्धि होने से पहले 10 रुपये का आपका टिकट था। अब क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो भैया 10 का 10% क्या होता है? अगर आप 10 का 10% निकालेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो भैया जब 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 रुपये का टिकट अब आपको कितने का मिलेगा, 10 में 1 और जोड़ देंगे 11 रुपये का मिलेगा। तो इसीलिए अब टिकट का मूल्य भी बढ़ के क्या हो गया, 11 रुपये हो गए। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, वृद्धि होने से पहले टिकट के मूल्य में टिकट आपको 10 रुपये का मिल रहा था, अब टिकट आपको कितने का मिलेगा, 11 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई हम 10 में करवाएंगे 40 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 11 में करवाएंगे 55 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो 55 में से 40 को हम लेस कर देंगे। आपको ध्यान देना है, रेशियो कॉन्सेप्ट में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो अंतर निकाल लेंगे, तो 55 में से 40 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। तो अंतर आपका कितना निकल आया, 15 निकल आया। अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैंने आपको बताया कि हम जितनी भी कैलकुलेशन इसमें करेंगे हम ओल्ड वैल्यू पर करेंगे, जो हमारी पुरानी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है जैसा कि आप देख सकते हैं, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर हम ओल्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। पहले तो 40 थी, अब तो 55 हो गया, वृद्धि तो हो ही रही है। तो हम ओल्ड पे कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हो रही है। अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए नई वैल्यू हमारी क्या थी, 55 थी, अगर इस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो वृद्धि हो ही चुकी है, तब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओल्ड वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, 15 का डिफरेंस आया था, ओल्ड वैल्यू हमारी 40 थी, यहाँ पे नीचे 40 लिखा और मल्टीप्लाई बाई 100 करवा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 की मल्टीप्लाई 5 में करवा लीजिए 75 और 2/5, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 37.5%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 37.5%। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 75 को 2 से भाग करके दिखा देता हूँ, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पे 5 उतारा, ठीक है, 2 7 40, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 2 5 10, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया ये हमारा। तो 37.5% की वृद्धि, ठीक है। तो इस चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी 37.5% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। बस आपको यही पे ध्यान देना होता है कि हम वैल्यूज़ को कैसे लेंगे। यहाँ पे मैंने ओल्ड वैल्यू ली थी, क्यों ली थी, अगर हम ओल्ड वैल्यू को नहीं लेंगे, इसको बेस नहीं लेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ली हुई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको रेशियो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको फॉर्मूला बेस पे भी सॉल्व करेंगे, यानी 2 मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली
कंडीशन क्या दी हुई है? सबसे पहली कंडीशन दी हुई है कि आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, तो चौड़ाई में, तो दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी कि आयत की चौड़ाई में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहली कंडीशन पे आते हैं, 10% की वृद्धि हो रही है आयत की लंबाई में, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज हटेगा 10/100, इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी 1/10 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, भिन्नात्मक वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, तो 20/100 इसको लिख देंगे और 1/5 ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, किसकी, 20% की, ठीक है, तो 1/5 हो गया। अब चलिए देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी पहले आयत की लंबाई क्या थी, ओल्ड, मतलब पहले आयत की लंबाई क्या थी, 10% की वृद्धि कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पहले लंबाई आपकी क्या थी, तो पहले आपकी लंबाई थी जैसा कि आप देख सकते हैं 10, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, 10 मान लिया, ठीक है, ये आपकी, इसीलिए हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के बाद हमारी संख्याएं छोटी हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आयत की लंबाई पहले मैंने क्या मान ली, पहले थी 10, यानी पुरानी लंबाई क्या थी, 10 थी, तो यहाँ पे ओल्ड में मैंने 10 लिख दिया। फिर क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो भैया 10 का 10% क्या होता है, 10 का 10% हमारा एक ही होता है जो कि ऊपर ये लिखा हुआ है, तो इसी 10 में अगर हम एक ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर आयत की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि होने के बाद हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो नई लंबाई हमारी क्या हो गई, 10 की जगह हमारी 11 हो गई नई लंबाई, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। अब हम आते हैं चौड़ाई में, यहाँ पे हमने लंबाई लिखी हुई है, ये लंबाई वाला हो गया, अब हम आते हैं चौड़ाई में, तो चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई में आपकी 20% की कमी हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/5 निकाली, 1/5 निकाली, तो पहले चौड़ाई 5 थी, क्या थी, पहले चौड़ाई 5 थी, लेकिन 20% की कमी कर दी जा रही है, तो 5 का 20% कैसे निकालेंगे, 5 का 20% क्या होता है, 5 लिखेंगे, यहाँ पे 20/100 कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हम 5 इसको कर सकते हैं, 5 × 10 और ये 20, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 का 20% यही एक ही होगा जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो हम 5 में से क्या करें, 1 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कमी, 4, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यही मैंने चौड़ाई में लिखा हुआ है। चौड़ाई आपकी क्या थी पहले, चौड़ाई आपकी थी जैसा कि आप देख सकते हैं 5 थी, यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली थी ना 1/5 थी। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन की 20% की कमी हो रही, 20% की कमी होगी तो इसी 5 में से 1 को घटा देंगे और 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारी नई चौड़ाई क्या हो गई, पहले चौड़ाई 5 थी, अब नई चौड़ाई आ गई 4, ठीक है, क्योंकि घट रहा है, 20% की कमी आ रही है चौड़ाई में, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ओल्ड और न्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देनी है, अब यहाँ पे आपको जो तिरछे में जो आपकी संख्या कट रही है क्रॉस में, वो आपको वहाँ पे उसको डिवाइड कर लेना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तो कट जाएगा, लेकिन 5 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आप इधर देखिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4, तो 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे क्रॉस में हमारा ये, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 को डिवाइड करके 5 लिख दिया, 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 2 × 2 = 4 लिख दिया। अब यहाँ क्रॉस में हमारे कोई संख्या नहीं कटेगी, यानी ऊपर हमारा बचा है 5, 11 और नीचे 5 और 2, यानी इधर 5 और 11 और नीचे भी हमारा 5 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, ना कि ऐसे ऐसे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 5 आपका 25 हो जाएगा और 11 की मल्टीप्लाई 2 में हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है, 25 और 22 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये आपकी ओल्ड थी, ये आपकी न्यू हो गई, ठीक है, ये पहले आपकी लंबाई चौड़ाई थी, अब आपकी नई वाली हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 25 में से 22 को लेस कर देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का अंतर आया है। अब हम बेस किसको लेंगे, बेस हमें ओल्ड को ही लेना है, पुरानी वाले को ही लेना है, तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। भैया जब पुरानी वैल्यू को लेंगे तभी तो बता पाएंगे कि कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट घटा, ठीक है, अगर हम नई वैल्यू को ले लेंगे 22 वाले को तो कहाँ से पता चलेगा, इसीलिए हम पुरानी वैल्यू को लेंगे, यानी अंतर आपका 3 आया था और
25 को हम लेंगे यहाँ पे बेस और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। 25 का नाम 25, 25 चौके 100, इसकी मल्टीप्लाई 3 में की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि पहले 25 था अब 22 हो जा रहा है, घटित हो रहा है, 25 से 22 हुआ ना, कमी हुई ना, तो यही 12% की क्या हो जाएगी, ये आपकी कमी हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो कॉन्सेप्ट से हो गया। अब हम करेंगे फॉर्मूला बेस पर, इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका सेकंड मेथड लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला वाला है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत। क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा हुआ है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, फिर उसके बाद प्लस लगेगा, पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट फिर अपॉन में 100 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि वृद्धि होने पर धनात्मक और कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इस फॉर्मूले से तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पहली वैल्यू आपको क्या दी हुई है, तो पहला जैसा कि आप देख सकते हैं 10% की वृद्धि हो रही है, ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद 20% की कमी हो रही है, आपकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसी को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो पहला जैसा कि आप देख सकते हैं 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 10 हमने प्लस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 10 हम प्लस में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वृद्धि होने पर धनात्मक लेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू आपकी क्या थी, वो 20% की कमी हो रही थी चौड़ाई में, तो 20% को हम यहाँ पे 10 के बाद लिखेंगे, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस 20 लिखेंगे, क्योंकि कमी हो रही है। क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या लिखा है यहाँ पे कि कमी होने पर ऋणात्मक मान लिया जाएगा, तो 20% आयत की चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस 20 लिखेंगे। और ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलके आपका हो जाएगा माइनस, यानी 10 में से 20 को हम लेस कर देंगे। तो यही यहाँ पे 10 माइनस 20 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद फॉर्मूले में यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे ही। फिर उसके बाद पहली वैल्यू आपकी क्या थी, 10% की वृद्धि हो रही थी, 10 को तो हम प्लस में ही लिखेंगे। फिर दूसरा प्रतिशत गुणे दूसरा परसेंट, तो दूसरी आपकी वैल्यू दी हुई थी कि 20% की कमी हो रही है चौड़ाई में, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 20% की कमी, तो कमी हो रही है, तो कमी वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये आपकी ऋणात्मक हो जाएगी, तो यहाँ पे हम माइनस 20 लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 गुणे माइनस 20 लिखा हुआ, क्योंकि कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा और अपॉन में 100 ये आपका फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 10 माइनस 20 ये आपका ऐसे ही रहेगा अभी प्लस, फिर उसके बाद 10 गुणे 20 धाम में 200 होता है लेकिन माइनस का 200 होगा, और नीचे आपका 100 दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका बचा सिर्फ -2, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं -10 और -20 आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, -10 और -20, तो यहाँ पे 10 में से 20 को लेस करेंगे क्या आएगा, -10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो -10 मैंने यहाँ पे लिख दिया और प्लस -2 आपका यहाँ पे है ही। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे -10 और प्लस -2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे -10 आपका ऐसे रहेगा और ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये माइनस मिलकर प्लस, और यहाँ पे आपका जैसा कि आप देख सकते हैं 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा, पर आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका क्षेत्रफल होता है कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए आपका 12 ही होगा, प्लस में आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो रही, तो क्षेत्रफल आपका ऋणात्मक नहीं होता, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये आपका फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला आपको इतना पूरा याद करना होगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि होने पर धनात्मक और कमी होने पर ऋणात्मक मान रखा जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, पहला मेथड या दूसरा मेथड, ठीक है। तो इसमें आपका 12% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये भी आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, और इसको भी मैं आपको दो मैथड से बताऊँगा, एक ट्रिकी मैथड से बताऊँगा और एक फॉर्मूला बेस,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा को क्या कर रहे हैं, 20% घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बेस से बता रहा हूँ, तो प्रतिशत कमी आपकी क्या हो जाएगी, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 2x - x²/100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका विद इन 50 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x - x²/100 ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर हमारा 20% होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, घटा दिया जाए। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 20% रखेंगे, कुछ नहीं करना, x की जगह आपको 20 रख देना है। तो 2x की वैल्यू हमें 20 दी हुई क्वेश्चन में, 20 यहाँ पे रख दिया, माइनस x स्क्वायर यानी x की जगह हमने क्या रखा है, x बराबर 20, तो 20² / 100 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 20 बुढ़े तो आपका ऐसे ही रहेगा, 20 का वर्ग आपका कितना होता है, 400 होता है, और अपॉन में 100 तो आपका दिया ही हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 20 बुढ़े 2 कितना होता है, 40 होता है, और यहाँ पे बचा क्या, केवल 4 बचा, तो 40 में से 4 को लेस कर दीजिए, बराबर 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 36 कहाँ दिया, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाए। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, कैसे हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब मैं रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग की भुजा को 20% क्या कर दे रहा, घटा दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वर्ग की भुजा में कमी कितनी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 20% को सॉल्व करेंगे, इसको हम 20/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज की साइन को हटाएंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो 20 × 1 = 20 और 20 × 5 = 100, ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, ठीक है। यानी पहले आपकी भुजा क्या थी, 5 थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर यहाँ पे बनाया हुआ है, वर्ग बनाया हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की। तो मैंने क्या लिख दिया, तो पहले वर्ग की भुजा आपकी क्या थी, 5 थी, तो मैंने यहाँ पे 5 ये भी हो जाएगी, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, फिर क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो 5 का 20% क्या होता है, 5 का 20% आपका 1 ही होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 20% की कमी होगी, तो हम क्या कर देंगे, इसी 5 में से हम 1 को लेस कर देंगे, 5 में से 1 को लेस करेंगे तो 20% की कमी हो जाएगी। अब भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, वर्ग की भुजा 20% की कमी होने पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा था, अब क्या हो गई, 4, और चारों भुजा हमारी बराबर, 4 ये भी, 4 ये भी, 4 ये भी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें ओल्ड और न्यू वैल्यू लिखनी है, यानी पहले वर्ग की भुजा क्या थी और अब नई भुजा क्या हो गई, ये हमें लिखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे भुजा स्क्वायर का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा तो आप भी वहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5 नहीं लिखेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे, इसी का दुगना लिखेंगे, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है ना, तो हम पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे। अब क्या हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ओल्ड आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का भुजा स्क्वायर किया, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर किया, तो ये आपका 25 हो जाएगा। अब नई वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही थी तो आपका क्या हो जा रहा था, 4 हो जा रहा था, तो 4 का वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक तरफ मैंने 25 लिख दिया, एक तरफ 16 लिख दिया, ये आपका ओल्ड था, ये आपकी न्यू वैल्यू हो गई। तो न्यू वैल्यू आपकी क्या आ गई, 16, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 25 में से 16 जाएगा, क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, अंतर हो जाएगा। तो अंतर को हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, अंतर को मैंने ऊपर लिखा 9, और जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे ओल्ड वैल्यू पे करेंगे, 25 आपकी थी, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तभी तो बता पाएंगे। तो यहाँ पे 9/25 लिखा और मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, और 9 × 4 = 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका ये दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 36% की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछा ही है कि कमी कितनी हो रही है, तो 36%
प्रतिशत की कमी हो रही है। बस आपको इतना ध्यान देना है, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था इसीलिए हमने यहाँ पे भुजा स्क्वायर यूज किया हुआ है, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों मेथड में से कौन सा ज़्यादा इजी लगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ तक 21 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में हमने सॉल्व किए हैं, 21 क्वेश्चन यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी भी इस चैप्टर में हमारे करीब 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और वो आपको मुझे बताने क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।